हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आज तो मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ है नहीं है, तो कल एक ट्रेंडिंग डे हमें मिल सकता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट वन डे का मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 47,500 का जो लेवल है, मार्केट कल से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास होल्ड कर रहा है। निफ्टी पे भी हम आएंगे बाद में, उसके भी लेवल्स, हम इंट्राडे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये डेली में अगर देखेंगे तो ये बुलिश दिख रहा है हमें, ये रिवर्सल हैमर दिख रहा है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई अभी तक बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया है। तो 47,500 ये जो है एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके ऊपर ही कल से मार्केट क्लोजिंग दे रहा है और इस लेवल को जो है होल्ड कर रहा है। तो हमें कल 500 से लेके 600 पॉइंट का एक टारगेट हमें देखने मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में क्या लेवल्स होने वाले हैं और आज का देखेंगे हम। सॉरी, मैं यहाँ पे एक बार मेरा ओपन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे अगर देखोगे तो हाँ, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आज ही एनएससी के साइट पे यहाँ पे एक न्यूज़ आया है कि निफ्टी का जो 50 का लॉट साइज़ है वो चेंज होकर 25 का हो गया है। फिर निफ्टी का 40 का 25 हो गया है। मिड कैप का जो है 75 से 50 हो गया है, 75 से 50। और बैंक निफ्टी का जो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, जो 15 का है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जो है, इन तीनों का लॉट साइज अभी चेंज हो चुका है। ये अगर आप देखोगे निफ्टी, ये एनएससी का है, उनका न्यूज है। निफ्टी 50 का 50 से 25 का हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो है फिन निफ्टी 40 का 25 हो गया, और मिड कैप का जो है 75 था तो वो 50 हो गया, और बैंक निफ्टी का जो है अनचेंज है। तो ये न्यूज़ है आज के लिए मार्केट में जो है। तो लॉट साइज का ध्यान रखो। और हाँ, ये जो है 26 अप्रैल से चेंज जो है हमें देखने मिलेगा, मतलब जो मंथली एक्सपायरी रहेगी 26 अप्रैल को, उस दिन से ये जो चेंज है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज देख लेते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो है मैंने ये अपडेट दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर अभी तक आप अगर चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे चेंज अपडेट्स होंगे, जो भी होंगे, तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाए। तो अगर देखोगे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बैंक निफ्टी का लगाया हुआ है चार्ट। अगर कल से देखोगे तो इसी लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है, ये वाला जो रीज़न है इसी को मार्केट होल्ड कर रहा है। और इंट्राडे में कुछ मूवमेंट हमें 2 दिन से मिला नहीं है, तो एक कल हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने मिल सकती है। तो जो लेवल मैंने यहाँ पे दिए हुए थे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो टेलीग्राम पे मैंने सुबह 8 बजे ही दिया था। तो ये अगर देखोगे निफ्टी का मैंने दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी का भी दिया था, फिर निफ्टी का भी दिया था। ये बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी का भी मैंने लेवल दिया था। तो लगभग मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा, ये मेरा व्यू था। और ऊपर निकलेगा तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। 47,880 मेरा लेवल था, यहाँ पे टच कर सकता है, ऐसा मेरा व्यू था। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक बार रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद में फिर इस ये जो मैंने जोन मार्क किया है उसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिला हमें। और निफ्टी भी अगर देखोगे तो निफ्टी भी नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे ओपन हुआ था। और फिर निफ्टी का जो है, हमने एक यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए एक कॉल दिया था। यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये मैंने कॉल दिया था, एक मिनट, ये वाला 21,150 का सी मैंने दिया था, 30 से 35 रुपये। तो लगभग इसने पैसा डबल कर दिया था। ये डिस्क्लेमर दे दूँ पहले कि ये जो भी ट्रेड्स और व्यूज़ जो होते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो
ये अगर देखोगे तो 30-35 से मैंने दिया था, 82 का इसने हाई लगाया था। उसके बाद अगर देखोगे एक जीरो हीरो ट्रेड मैंने दिया था, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला आखिरी वाला मैं दिखा था आपको, ये फिर निफ्टी का जीरो हीरो ट्रेड मैंने दिया था। 21,100 का पी मैंने दिया था 4 से लेके 5 रुपए, वो भी लगभग 8 रुपए गया था, तो पैसा इसमें भी डबल हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को, तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो, या तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप एक बार के लिए जुड़ सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जो मैंने सुबह लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, दोनों भी अभी भी वैलिड है, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर 47,650 के ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे, तो सेम ये वाला जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे अगर फॉर्म होता है कल, तो ये सेम एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक पे आप यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय कर सकते हो, और टारगेट जो है 48,000 का हमारा होने वाला है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 47,000 या इस रीजन के ऊपर, 47,700 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो भी हम बाइंग साइड में जाएंगे। और अगर 200 से लेके 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है इसी रेंज में, इस लेवल पे जो कि है 47,880, ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ ओपन होता है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन इस तरीके से बन सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो कुछ इस तरीके से भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। 48,000 का हमारा ये टारगेट होने वाला है करके, सॉरी डिलीट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे इस तरीके से अगर गैप अप ओपन होता है और कुछ इस तरीके से नीचे आता है, ये जो डे हाई है यहाँ पे, आज का जो डे हाई है, इसका सपोर्ट एक बार ले सकता है मार्केट। अगर यहाँ से इस रेंज से अगर निकलेगा, डायरेक्ट ही गैप अप ओपन होके अगर निकलेगा, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे हम। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बनेगा जो डे हाई है यहाँ पे, तो ये 48,000 हम कल मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस रीजन से नीचे निकलता है 47,430 से अगर नीचे निकलता है, 47,430 इस लेवल के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो ये भी सेम हमें प्राइस एक्शन इस तरीके से देखने मिलेगा। ये जो है ये भी हमें इस तरीके से देखने मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसको भी हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो ये कल के लिए लेवल होने वाले हैं, ये भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो नीचे अगर जाएगा मार्केट तो 47,260 का हमारा नीचे की साइड लेवल होने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है कल के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो पॉजिटिव रहेगा, फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलेगा 47,660 के ऊपर, तो भी हम बुलिश साइड में ये ट्रेड लेंगे। और एक मिनट, तो व्यू कहीं ना कहीं बुलिश साइड का है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो लाइव मार्केट में हम लेवल्स अगर कुछ मिलते हैं, अगर फ्रेश लेवल्स होते हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे। अब चलिए निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे डेली में, तो ऑल टाइम हाई के पास 2 दिन इसने अभी होल्ड किया है। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा मार्केट, तो एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने मिल सकता है। और यहाँ से अगर ये जो दोनों डोजी बने हैं, इसके नीचे अगर कुछ गैप डाउन ओपन होता है, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा लगभग 22,200 से लेके 250, ये हमारा टारगेट होने वाला है डाउन साइड के लिए। तो 5 मिनट में देख लेते हैं। इसके भी लेवल जो है मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जो आज सुबह मैंने दिए थे, वही अभी तक वैलिड है। इसने भी अगर देखेंगे बैंक निफ्टी, तो भी थोड़ा सा दिन भर में थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट हुआ था, लेकिन निफ्टी में अगर देखेंगे तो इसने ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं है। तो इसके भी मैंने लेवल प्रोवाइड किए थे, और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी लगभग वही लेवल हमारे निकल के आ रहे हैं कल के लिए। तो ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है 22,470 का, ये सेम एज इट इज़ ये लेवल्स आगे के लिए हम
यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये भी अगर देखोगे तो ये इस तरीके से मेरा व्यू है, और ये वाला डाउन साइड का भी जो व्यू है ये भी एज इट इज ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो कल के लिए निफ्टी का अगर देखेंगे तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बढ़िया होगा, अगर फ्लैट ओपन होता है और हल्का सा अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है गैप अप होके, 530 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा, ऑल टाइम नया हाई के लिए हम ट्रेड करेंगे पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड में जो है क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है, और विक्स भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं विक्स भी काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पर अगर देखोगे इंडिया विक्स अगर देखोगे तो 11.65 पे चल रहा है इंडिया विक्स, तो मोमेंटम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है निफ्टी में। अगर ऑल टाइम हाई जाता है तो 600, अगर गैप अप ओपन होता है 530 के ऊपर तो 600 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उस इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है ट्रेल करते चलेंगे। और नीचे की साइड अगर गैप डाउन ओपन होता है कुछ यहाँ पे, अगर गैप डाउन होता है 400 के नीचे अगर निकलेगा मार्केट, या 400 ही आप पकड़ के चलो, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला जो लो है ये लो अगर ब्रेक करेगा मार्केट कल 380, आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो 380 के नीचे। तो फर्स्ट टारगेट जो होगा 320 होगा, उसके बाद में अगर नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे निकालेंगे तो 22,270 यह हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा सेकंड, अगर नीचे की साइड निकलता है। और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा फाइनल ये होगा 22,200। यहाँ पे 22,270 से लेके 250 जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा थर्ड टारगेट 22,200 हमारा फाइनल टारगेट होगा नीचे की साइड अगर निकलता है मार्केट, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। अगर आप नए हो चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को जो है आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ये गोल्डन बुल्स नाम से ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एनालिसिस वीडियोज हम यहाँ पे डालते हैं। और ये अगर जीरो हीरो देखोगे आप, 4 रुपये का मैंने जीरो हीरो दिया था, वो लगभग 136 रुपये गया था, मतलब 34x गया था, उसका क्या लॉजिक था उसके पीछे ये मैंने इसके वीडियो के अंदर एनालिसिस पूरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे हम कुछ स्विंग के लिए स्टॉक भी होते हैं उसके भी एनालिसिस वीडियो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ सकते हो डेली अपडेट्स पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।